एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ। जितना आपको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, यानी कि जो आपकी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, कि जितना खाने के लिए पैसा चाहिए होता है, कितने ऐसे हैं जिनके पास में एटलीस्ट उतना या उससे ज़्यादा पैसा है, भूखे नहीं सोते रात को? सारे? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो जिसके पास इतना भी नहीं है? नहीं है तो बताओ भी, इकट्ठे करते हैं 50-50 रुपये, भाई क्या करें। तो एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा है कि आपको खाने पीने की टेंशन नहीं है, रहने की टेंशन नहीं है, यानी कि अपनी बेसिक नीड से आप ऊपर उठ गए हो, डिजायर्स का तो कोई एंड है ही नहीं। और ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में या इस वर्ल्ड में जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है? बहुत, मतलब कितने होंगे? लाखों, हजारों, करोड़ों लोग हैं। तो उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो? या बहुत सक्सेसफुल हो? सोच के देखो, जिसको खाने को नहीं मिल रहा, मतलब रात को खाली पेट सोना पड़ रहा है, उसके हिसाब से तो उसकी तो ड्रीम है। आपकी जो लाइफ अभी है, तो आपकी लाइफ एक्चुअल में ड्रीम लाइफ है, एंड गोल है बहुत सारे लोगों का। लेकिन वहां पहुंच करके भी कितने ऐसे हैं जो कह सकता है कि मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं, बहुत खुश हूं? नोबडी। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है हमारी लाइफ में, वो हमको आज मिलकर के ढूंढना है। व्हाई डू वी फील सैड? सर, द मोस्ट पिंचिंग थिंग इन माई लाइफ इज आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई पेरेंट्स। तो मेरी पेरेंट्स, मेरी फैमिली, जब उनको कुछ होता है या उनको कुछ हो सकता है, उसके थॉट से, क्योंकि माय पेरेंट्स एजेड हैं, तो जो अल्टीमेट पिंच होगा वो होगा उनका डेथ। तो वो होने के थॉट से भी आई बिकम वेरी सैड। और जो जितना मोटिवेशन एनर्जी लेवल होता है, इट गोज डाउन इन द हेल। राइट, मतलब एक रीजन हमको मिला है डेथ। क्या डेथ की वजह से हम दुखी होते हैं या हमारे अपने हैं उनकी डेथ की वजह से दुखी होते हैं? दुनिया अगर पूरी ख़त्म होती है तो हो जाए, नॉट डजंट मैटर जी। दुनिया में अभी हम यहाँ बैठे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। कितने लोग हैं जिनकी डेथ अभी होने वाली है कुछ मिनट्स के अंदर अंदर, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हमारे लोग, मेरे लोग, अगर उनको कुछ भी हो जाए, इस थॉट से ही हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। जैसे जब किसी की डेथ होती है तो ध्यान से सुना करो कि वहाँ पे लोग क्या बोल रहे होते हैं। वो इसलिए नहीं दुखी होते कि जो मर गया उसका क्या होगा, यूँ तो मर गया उसका क्या होगा, वो इसलिए दुखी होते हैं मेरा क्या होगा। समझ रहे हो? तो जो कॉज है हमारे दुख का, वो उसकी डेथ नहीं है, वो ये सोच है कि मेरा क्या होगा। तो क्या करना होगा हमको, किसको ठीक करना होगा? हाँ, खुद को, इन द सेंस अपनी अपनी थिंकिंग को। जब भी हम दुखी होते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो रियलिटी से अलाइन नहीं है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं हम सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम ब्लेम करते हैं या तो किसी ना किसी पर्सन को कि मैं उसकी वजह से परेशान हूं, अपने बॉस की वजह से, अपने पति की वजह से, पत्नी की वजह से, बच्चों की वजह से। ऐसा नहीं होता है, अपने माँ बाप की वजह से, बजाय ये समझने के कि मैं अपनी थिंकिंग की वजह से परेशान हूं। अगर इतना सा आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी थिंकिंग को, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया आपकी लाइफ में, मतलब इतना बड़ा चेंज आ गया जिसकी कोई हद नहीं है। और एक्चुअल में करते हैं तो, सिर्फ जब मेरे सेशन सुन रहे हैं, सुन करके आपने कहा हाँ नहीं बात तो सही है, बस खत्म, उससे कुछ नहीं होगा। बट अपने अंदर जो आप सोचते हैं, तो अगर उसको आप, इतनी सी बात को आप देख पा रहे हैं और एक्सेप्ट कर लें पूरी तरह से कि मैं जब भी दुखी होता हूं या होती हूं, सिर्फ और सिर्फ अपनी थिंकिंग की वजह से होता हूं, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, और कोई कॉज नहीं है। और एक और मजेदार बात, अगर यहां पे हम एक लेवल और डीप चले, तो थिंकिंग की वजह से मैं दुखी नहीं होता हूं। सोचो, कुछ भी सोचो, आपके साथ में जो बैठा है उसके बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, कोई दुख है? आर यू फीलिंग सैड? चांद तारों के बारे में सोचो, सूरज के बारे में सोचो, हवा के बारे में सोचो, अपनी ब्रेथ के बारे में सोचो, कहाँ है दुख? कहीं भी नहीं। तो थिंकिंग की वजह से हम दुखी नहीं होते हैं। जब हमारी थिंकिंग, अटैचमेंट की वजह से भी नहीं होते हैं, एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी नहीं होते हैं, जब हमारी थिंकिंग रियलिटी से अलाइन नहीं होती है, रियलिटी ये है और हमारी थिंकिंग ये है, तो हम दुखी होते हैं। जितना बड़ा ये गैप होता है उतने ही ज्यादा हम दुखी होते हैं। ध्यान से समझना, रियलिटी क्या है? कि डेथ हो गई है किसी की, ये रियलिटी है। अगर इसको हम इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ले तो हो गई, आगे बढ़ो। तो दुख कहाँ है? एक मिनट सुनना, आराम से देखना रियलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, आप में से कितनों के बच्चे हैं, जायज नाजायज व्हाटएवर, नाजायज वाले हाथ ऊपर रखे।
हम क्या बोलते हैं, हम अपने बच्चों की वजह से दुखी हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो वो बच्चे जो आपकी बात मानिए वो बच्चे है ही नहीं। बच्चे बड़ी शैतानी करते हैं, जो बच्चे शैतानी नहीं करते वो बच्चे क्या है, इंसान के छोड़ो कुत्ते के बच्चे भी शैतानी करते हैं, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, समझ रहे हो। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में बेस्ड नहीं होती है तब हम दुखी होते हैं। यानी कि ये गैप जितना कम है रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में उतना ही दुख कम है, और ये गैप जितना बड़ा है उतना ही दुख ज़्यादा है। जो लोग सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी भी नोट करना क्या हो रहा है, किसी की डेथ हो गई है, अरे आपको पता नहीं था कि डेथ होती है यहाँ पे, जो भी आदमी आता है उसकी डेथ होने वाली है, और रो किसके ले रहे हो, क्या आप अमर हो, आप भी तो मरने वाले हो, तो क्या ये एक्सपेक्टेशन हमारी गलत नहीं है। सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में, क्या ये रियलिटी है या मेरी कोई इमेजिनेशन है, इसको कोई चैलेंज कर सकता है, एनीबॉडी यू कैन चैलेंज दिस थिंग। तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, होती है ये प्रॉब्लम क्या नहीं होती है, ये एक्सपेक्टेशन हमारी रियलिस्टिक है अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है। और अगर ये एक्सपेक्टेशन आपके अंदर है, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके अंदर है, तो आपको कितना भी कुछ भी मिल जाए आपको सुखी करने का कोई तरीका ही नहीं है। पूरी दुनिया का खजाना ला करके भी आपको दे दिया जाए तब भी बैठ करके रो रहे होंगे। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हो, माइक इनको दे दो। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मैं अमरनाथ जी की यात्रा करके आ रहा हूँ, कल मैं आया हूँ वहाँ से, रास्ता खराब था, उसी रास्ते से मैं भी पास आउट हुआ था। ओके। 15 मिनट के बाद वहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई, लैंडस्लाइडिंग हुई, दो लोग मर गए वहाँ पे उसी पोजीशन पे। उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि जो डेथ है वो कभी भी आ सकती है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए किसी भी मोमेंट पे, तो हम उसके बारे में सोच के दुखी नहीं होंगे। एग्जैक्टली, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। कैन वी एक्सेप्ट डेथ, कैन वी एक्चुअली एक्सेप्ट डेथ, या फिर हम बोलने के लिए एक्सेप्ट करते हैं लेकिन एक्चुअल में सोचो अगर किसी की डेथ हो जाए तो, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वो उनकी कभी भी ऐसा हो सकता है? नो, वी कांट एक्सेप्ट इट। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास में? कैन वी अंडरस्टैंड, कैन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डेथ इज? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो भी हमारा अपना बिलीफ है डेथ के बारे में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इफ वी क्वेश्चन एंड सिंसियरली क्वेश्चन एवरीथिंग इन लाइफ, तो हमको दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। और क्वेश्चनिंग सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे ना करें, एक्चुअली करें समझने के लिए, मतलब अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, इतनी एनर्जी जितना हम पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। वी नेवर गिव एन एक्सक्यूज कि नहीं पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कमाऊंगा, मैं नहीं कमाऊंगी, है ना, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस हमको पता है। अगर इस क्वेश्चनिंग की इंपॉर्टेंस हमको समझ आ जाए और हम लाइफ में हर चीज को क्वेश्चन करें कि अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है हमको करने के लिए तो वी क्वेश्चन, हाँ ठीक है, आई डू इट, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, आई नीड टू अंडरस्टैंड इट, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। इंसानों में और जानवरों में सबसे बड़ा फर्क क्या है अगर क्वेश्चनिंग का नहीं है तो? अगर हम क्वेश्चन नहीं करते हैं और सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे एक्ट करते हैं, तो हम में और जानवरों में फर्क क्या है? सर्कस में जानवर भी तो यही करते हैं, उनको दूर से कुछ दिखाओ भागते हुए आते हैं, पूंछ लाने लग जाते हैं, उनको डंडी दिखाओ तो बैठ जाते हैं। सो आर वी रेडी टू क्वेश्चन व्हाट इज डेथ, क्या है बताओ, कैसे क्वेश्चनिंग करें, व्हाट इज डेथ, क्या मरता है? आपके गैस स्टोव के ऊपर आपकी किचन में पानी उबल रहा है, थोड़ी देर में पूरा उबल गया और दिखना बंद हो गया, क्या पानी मर गया, क्या हुआ, कुछ और बन गया, तो क्या मरता है? मरना हम किसे कहते हैं? क्या हम चेंज को मौत बोल रहे हैं? तो बदल तो सब कुछ ही रहा है, फिर तो सब कुछ ही मर रहा है, फिर तो रोते ही रहो, नहीं। इस तरह से क्वेश्चनिंग करनी होती है, मैं ज्यादा नहीं करूंगा मतलब, क्योंकि थोड़ा इस तरह की आदत नहीं है हमारी। तो हो सकता है क्वेश्चनिंग करो जब आप सिंसियरली डीपली, मेरे कहने से नहीं मतलब खुद अंदर से आए कि चले यार लेट मी क्वेश्चन द बेसिक्स ऑफ लाइफ, तो हो सकता है आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचो जहां पे आपको समझ आए डेथ जिसको हम बोलते हैं वो कुछ नहीं है, बस चेंज है, कुछ बदल गया है उसको हम डेथ बोल रहे हैं। नथिंग डाइज, नथिंग कैन डाई,
मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट सोल्यूशन की. एक है ऊपर ऊपर लेवल की बात है, वो तो क्या है कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हंसाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, हाँ नहीं सब बढ़िया है, लेकिन अगले दिन फिर वही सब वैसा का वैसा चलेगा. बट अगर ये आप करना शुरू कर देते हो तो कुछ कमाल का हो सकता है, माइंड शार्प हो सकता है, देन आप बड़ी जल्दी चीज़ों को समझ सकते हो. हमें लगता है कि ये समझना बहुत बड़ी बात है कि डेथ क्या है और मैं कौन हूँ, ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है. इनफैक्ट जो भी रियलिटी है वो सिंपल है, जो सच है वो सिंपल है, जो झूठ है वो कॉम्प्लिकेटेड है. कि अगर आप लोग बोलते हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो मैं क्या कहूँगा, हाँ आपको किसी की नज़र लग गई है. तो अब ये समझाना, अगर आपको क्वेश्चनिंग माइंड है तो, अगर बेवकूफ हो तो आप कहोगे हाँ मुझे नज़र लग गई, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तू ये कर ले बेटा, अब तू वो कर ले, मेरे पैसे इधर करता रहे, मुझे उससे मतलब है. बट अगर आपको क्वेश्चनिंग माइंड होगा तो अब उस बंदे को एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल है आप लोगों को. नज़र लग गई मतलब क्या, किसकी लग गई, नज़र लगना क्या होता है, आपको कैसे पता कि नज़र लगने से ये होता है, कहाँ लिखा है, किस बुक में लिखा है, दिखाओ, किसके बेस पे बोल रहे हो, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज. तो बंदा फंस नहीं जाएगा. बट जो रियलिटी है वहां पे क्या मुश्किल है, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, 70% ऑफ आवर बॉडीज आर मेड अप ऑफ वाटर. बताओ इसमें क्या एक्सप्लेन करना है मुझे, इसके आगे कुछ है, कोई क्वेश्चन है, कैन यू क्वेश्चन इट. आप कह सकते हो नहीं कि बॉडी आपको सॉलिड दिख रही है बट ये पानी की बनी हुई है, नहीं है ना कोई क्वेश्चन, इतना सिंपल होता है. यानी जो रियलिटी है जैसी है, अगर उसको हम समझ लेते हैं, उसको समझना शुरू कर देते हैं, तो हमारा माइंड क्लियर होता चला जाता है. जो माइंड जितना कंफ्यूज होता है वो उतना ही डल होता है. जिस माइंड में कंफ्यूजन जितनी कम होती है, क्लैरिटी जितनी ज्यादा होती है, वो उतना ही शार्प होता है. उसको एक सेकंड में वो चीजें समझ आ जाती हैं जो नॉर्मली हमको समझने में पूरी लाइफ निकल जाती है. तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, क्वेश्चनिंग से. अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, साथ मिलकर करें क्वेश्चनिंग. तो ये हमको समझ आ गया कि दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. तो मैं क्या हूं, मैं ये बॉडी हूं या मैं पानी हूं? तो मैं जिसको भी मैं बोल रहा हूं, मैं 70% पानी हूं. अगर मैं पानी हूं तो क्या मैं सिर्फ यहां हूं या जहां भी पानी है वो मैं हूं? आराम से सोचो, हाँ मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ. देखो इसको और थोड़ा सिंपल करें, पानी पे हम पानी तक पहुंचे हैं तो पानी का ही थोड़ा एक एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं. नदी में पानी बह रहा है तो उसमें एक छोटा सा बुलबुला है. तो अब वो बुलबुला अगर कहता है कि मैं बुलबुला हूं, तो क्या ये रियलिटी है या ये झूठ है? रियलिटी है. हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है. देख लो हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं साथ मिल करके. देखो बड़ा मजा आता है क्वेश्चनिंग करने में, मतलब इससे इंटरेस्टिंग लाइफ में कुछ नहीं है. एक ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही यही है कि हम क्वेश्चनिंग कर सके, और क्वेश्चनिंग करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच सके जहां पर उसके आगे क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं है. समझ गए? तो हम कहां पहुंच गए थे? एक बुलबुला है, वो कहता है कि मैं बुलबुला हूं. आप कहते हो ये सच है, ये रियलिटी है. बुलबुला कहां है, उसको छू के दिखाओ. जिसको छू रहे वो क्या है? पानी है. तो बुलबुला क्या है? पानी की एक फॉर्म नहीं है? तो पानी की ही एक फॉर्म को हम बुलबुला बोल रहे हैं. तो क्या हम पानी को बुलबुला नहीं बोल रहे? तो बुलबुला कहां है, एक्चुअल में कहां है? बोलने के लिए बुलबुला है, एक्चुअल में क्या है? जिसको हम छू रहे हैं वो क्या है? जिसको देख रहे हैं वो क्या है? जिसको फील कर रहे हो क्या है? क्या बुलबुला पीते हो या पानी पीते हो? नदी में से निकाल करके मैंने बुलबुला पी लिया, पी के दिखाओ. सिंपल नहीं है क्या? इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज कर सकती है? तो अगर वो बुलबुला ये सोचता है, एक्चुअल में वो बुलबुला है नहीं, वो सिर्फ सोच सकता है कि मैं बुलबुला हूं, क्या ये सोच सही है गलत है? रियलिटी पे बेस्ड है या झूठ है? ये रियलिटी है. एक बुलबुला ये बोलता है मैं तो सिर्फ बुलबुला ही हूं. तो ये मेरे कहने से बोल रहे हैं आपने, आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना रियलिटी क्या है, कि पानी ही है. पानी में एक्चुअल में कोई डिवीजन नहीं है. अगर ये बुलबुला यही सोचता रहे मरते दम तक कि मैं बुलबुला हूं, मैं बुलबुला हूं, उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, उसकी मर्जी, वो सोचता रहे. लेकिन अगर ऐसे सोच करके वो जिएगा तो क्या वो खुश रहेगा या रोता ही रहेगा मरते दम तक? क्यों रोता रहेगा, ये देख पा रहे हैं?
नहीं, पानी के बारे में तो उसको पता ही नहीं है, पानी की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं है। हाँ, कि मैं मरने वाला हूँ। इस बुलबुले के साथ में जो और बुलबुले हैं, कुछ छोटे बुलबुले, पहले एक बुलबुला था फिर एक बुलबुली थी, उन दोनों के मिलने से कुछ छोटे बुलबुलीज निकले, बुलबुलास निकले, है ना, इनको भी खतरा है। और कुछ बड़े बुलबुले बैठे हैं, जहाँ से ये निकले वो भी सब फटने वाले हैं। बुलबुले तो फटेंगे ही ना। बुलबुला बनने से पहले क्या था, मिटने के बाद क्या होगा, पानी। अभी क्या है, तो क्या बन रहा है, क्या मिट रहा है, क्या मर रहा है, कैन वी क्वेश्चन ऑल दीज थिंग्स। बर्थ ऑफ वॉट, पहले एक बादल नहीं था आसमान में, बादल दिखने लग गया, आप कह रहे हो बादल पैदा हो गया है। पैदा हो गया मतलब क्या, पहले नहीं था, पहले कुछ और था, फॉर्म ही तो चेंज हो रही है। मर गया बादल, ओए मेरा बादल मर गया, कहाँ है मेरा बादल, कहाँ मरा। देखने की नजर चाहिए, ये काम सिर्फ इंसान कर सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसेंड कर जाना। अगर बुलबुला इस सच को देख ले कि मैं एक्चुअल में पानी हूं, तो इसका मतलब जहां भी पानी है क्या वो मैं नहीं हूं। मैं बोल तो दिया ये बात, लेकिन आपका क्या होगा जैसी मैं ये बोलूंगा, माइंड, क्योंकि कंडीशन माइंड बोलते हैं इसको, मतलब फंस गया है माइंड एक तरह से सोच सोच करके एक जगह पे। तो सच हमारे सामने होता है लेकिन हम उसको नहीं देखते, उसको इग्नोर करते हैं, झूठ में जीते हैं, झूठ में मरते हैं, पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। पानी को दुखी करने का क्या तरीका है, बुलबुला बन जाए मिट जाए, पानी को क्या फर्क पड़ता है। सर आपने जैसे कहा कि मतलब कि बॉडी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स होती हैं उस पर्सन के साथ, अगर आपके अंदर अटैचमेंट ही नहीं है किसी से भी, तो एक रिलेशनशिप का मतलब क्या है अगर अटैचमेंट नहीं है। और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमको डिटैच हो जाना है। किससे डिटैच हो जाना है, अपने बच्चों से डिटैच हो जाओगे, मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मतलब उनकी केयर नहीं करोगे। एंड देन हम बात करते हैं प्यार की, मतलब व्हाट इज लव, आप समझ रहे हो। तो अब रिलेशनशिप को देखने की दो नज़र हो सकती है। एक नज़र ये है कि इस बुलबुले की रिलेशनशिप है एक बुलबुले से, यहाँ पर क्या होगा, लगाओ दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, क्या होगा, क्या होता है ऐसी रिलेशनशिप्स में जब मैं ये हूँ तू वो है, तो तू तू मैं नहीं होता है, वहां लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्लैश नहीं होता है बहुत बड़ा, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करी जा रही होती है। प्यार कहां होता है, वहां बातें होती है, प्यार की बातें तब होती है जब दोनों में से किसी एक को दूसरे से कुछ चाहिए होता है। ध्यान से समझना कि जहां पे आप ये कह देते हो, ये सोच कि मैं ये बुलबुला हूं, वहां पे कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, कंपेरिजन शुरू हो जाता है कि मैं खूबसूरत हूं मैं बदसूरत हूं, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ये मेरा है और ये मैं हूं, इन दोनों की सोच में कोई फर्क है। ज्यादा हो रहा है नहीं, अरे यार देखो, एक है नजर कि मैं ये बुलबुला हूं, अब ये मेरा है तो मुझे इसको कंट्रोल करना है, मुझे इसको अपने हिसाब से चलाना है, मैं सही हूं ये गलत है, मुझे इस पे कब्जा कर लेना है। अब दूसरी नजर क्या हो सकती है देखने की, कि बुलबुले बुलबुले कहीं नहीं है, दिख रहे हैं जैसे रेनबो दिखता है, एक्चुअल में क्या है वहां पर, छू के दिखाओ जिसको छू रहे हो, नहीं रेनबो दिखता है ना आसमान में, वो क्या है, लाइट, समझ गए, अलग अलग रंग के दिख रहे हैं। एक नजर है कि मैं लाल हूं तू पीला है, लाल अच्छा होता है पीला बुरा होता है, अब तू पीला है लेकिन तेरे को लाल की तरह बनना है, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है, स्ट्रगल यही तो है। दूसरा है मैं भी लाइट टू भी लाइट, क्या लाल क्या पीला, इसको ध्यान से, इस नजर को अगर आप समझ पाओगे ना, तब आपको समझ आएगी इसकी इंपॉर्टेंस। एक नजर हो सकती है कि मैं पानी हूं, यानी मैं पानी हूं तो क्या सिर्फ मैं पानी हूं, क्या यहां पर कोई एरोगेंस है, अरे तू भी पानी है, तू भी पानी है, तो मैं खुद की ही एक अलग फॉर्म के साथ में खेल रहा हूं, मैं खुद से ही
प्यार कर रहा हूं। लाइट की नजर कैसी होगी रेनबो के अलग अलग रंगों के लिए, और उन रंगों की आपस में नजर कैसे होगी एक दूसरे के लिए? आपस में क्या ये जो सात रंग है एक दूसरे से प्यार करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे? बाउंड टू फाइट। मैं सही हूं, तू गलत है। लाइट की क्या नजर है? इसे पानी की क्या नजर है? पानी ही एक्चुअल में समझ सकता है कि एक बुलबुले की क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन निकाल सकता है। बुलबुला कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि बुलबुले को सिर्फ अपनी पड़ी है। वो बुलबुला हमेशा दूसरे बुलबुलों को यूज करेगा अपना काम निकलवाने के लिए, और उसको प्यार का नाम देगा। ज्यादा हो गया क्या यार? कहा आप लोग समझ पा रहे हो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, किस लेवल से बोल रहा हूँ? रियलिटी से रिलेट, बुलबुले में मत अटक जाना। ऐसा हो जाता है मेरे कुछ सेशंस में, सर फिर क्या करें, पानी ज़्यादा पिए कम पिए, कितने ग्लास पानी पीना है एक दिन में? और फिर ऐसे लोगों को मैं प्यार से खच्चर बोलता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसको लाइफ से रिलेट करो, लोगों से रिलेट करो। जिसकी भी नज़र एक बुलबुले की होती है, उसको सिर्फ अपनी नहीं पड़ी होती, मेरे ड्रीम, मेरे गोल, मेरे ये मेरा। जो पानी है अब उसको क्या पड़ी है, उसके लिए तो करने को कुछ बचा ही नहीं है। पानी की नज़र में क्या रह गया? एक बुलबुला है तो वो बड़ा होने की कोशिश करेगा। पानी के लिए क्या फर्क पड़ता है, ये बुलबुला रहे मिटे, अभी रहे अभी मिटे, क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो देख सकता है एक्चुअल में इस बुलबुले के अंदर क्या कहानी चल रही है, एब्सोल्यूटली डिटैच होकर के। और अगर वो इस बुलबुले के अंदर देख सकता है क्या चल रहा है, तो वो हर बुलबुले के अंदर देख सकता है, क्योंकि हर बुलबुला एक ही तरह से एक्ट करता है। एक्चुअल में अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो या अपने हस्बैंड वाइफ से प्यार करते हो, तो पहले आपको अपनी नजर को बदलना होगा, तब आप उस प्यार की गहराई को एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर अगर आपको सामने वाले में कोई कमी नजर आएगी, तो वहां पे आप रिएक्ट नहीं करोगे, उससे लड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ वहां कमी नजर नहीं आ रही, आपको यहां भी आ रही है। तो आपको दोनों पे प्यार आ जाएगा, इस पे भी और उस पे भी। बच्चे जब कुछ गलत करेंगे तो उन बच्चों पे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपना बचपन भी साफ नजर आ रहा होगा। जब हम बुलबुले होते हैं तो हम अपना बचपन भूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसी को जनरेशन गैप बोलते हैं, बड़े पकाऊ होते हैं, बच्चों को जाकर के लेक्चर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि जो भी वो हरकतें कर रहे हैं सब हमने भी करी है। व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? सर इट मींस अपने स्पाउस से या कभी भी किसी से हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए? रिएक्ट क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, कई बार लड़ना पड़ता है। अगर कोई बंदा है जो आपके मतलब मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंदर तक करप्ट होते हैं, वो आपके सामने आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशन है, वो आपके घर में ही, आपके ऑफिस में ही है, यहाँ पे वहाँ पे, तो वहाँ पे यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट। वहाँ पे ये नहीं कि घोचों की तरह बैठे, वो बेच के खा जाएगा आपको। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग बहुत तेज भाग रहे हो, मतलब पहले अपनी नज़र को नहीं बदलने में काम कर रहे हो और सीधा ही छलांग मार रहे हो कि भाई उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है। यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि उसके बाद क्या होता है, पहले करो ना फिर देखो उसके बाद क्या होता है। क्योंकि अभी तो मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे चीज़ों को टच किया है, जो पानी वाली नज़र है। अगर और इसका एक लेवल और आगे ले जा करके आपको छोड़ दूँ दो मिनट के अंदर अंदर, तो क्या है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्प्ररी है, लेकिन कुछ ऐसा है जो परमानेंट है, जिसके बारे में इस दुनिया को कुछ नहीं पता है। वो जो परमानेंट है वो आप हो, जो नहीं बदलता है वो आप हो, जो बदलता है वो सब आपके अंदर हो रहा है। अगर हमारी नजर ऐसी हो जाए, यानी कि हम एक्सपीरियंस करें हर मोमेंट में उसको जो कि परमानेंट है, और उसको जो उस परमानेंट में बदल रहा है, जो टेम्पररी है, तो ये सब कुछ एक खेल के जैसा होता है। इसको रियलाइज करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि वो जिसको एक्सपीरियंस करना है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो परमानेंट है, वो वहां नहीं है, यानी कि कहीं दूर नहीं है, वो यही है। बुलबुले से पानी कितना दूर है? फिर भी मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10। तो अगर चाहो तो ये काम 1 मिनट में भी हो सकता है, चाहो तो, मतलब अगर चाह है अंदर से तो, और नहीं चाहो तो मरते दम तक नहीं हो सकता। जितनी देर एक बुलबुले को ये समझने में लगेगी कि मैं पानी हूं, जितनी देर बुलबुले को पानी को एक्सपीरियंस करने में लगेगा, मानो बुलबुले के अंदर कुछ छेद है, वहां से वो बाहर तो देख रहा है, पानी की ही बनी हुई अलग अलग फॉर्म्स को देख रहा है, बट कभी पानी को नहीं देख रहा है। तो जैसे ही उसको अंदर पानी नजर आएगा बुलबुले के, उसको बाहर भी सिर्फ पानी पानी नजर आएगा, उसके सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, और वहां पर सिर्फ प्यार ही प्यार है।
वहां पर उसके दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकलेगी कि सब खुश रहे, और कुछ निकल ही नहीं सकता। वो सब में खुद को देख लेगा और खुद में सबको देखेगा।